बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आरफ सुन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरफ दुलू क्रिकेट। सबसे पहले बात करेंगे, आज पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान, इस वक्त क्या सूरत आ रही है और शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, तो इस पर भी तफसील से आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका की इस वक्त जो मैच में वो गिरफ्त कैसे मजबूत हो गई है, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका के दौरान पहला टेस्ट मैच खेला गया और इस दौरान जो 12 शे उसकी भी आँख मचोली जा रही रही और पहले दिन 58.2 बालें हो सकी और तकरीबन 32 ओवर जो थे वो आज ज़्यादा हुए बारिश की वजह से। अगर बात करें तो श्रीलंका ने इस वक्त 226 रन स्कोर किए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। अगर बात करें तो बड़ी तबाहकुन बॉलिंग की आई शाहीन अफरीदी ने, उनका काम बैक हुआ। एक साल से ज़्यादा अरसे बाद वो टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 3 विकेट हासिल की, तो शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की लेकिन बाद में वो रिदम नहीं हासिल कर सके शाहीन शाह अफरीदी। अगर उसके साथ बात करें तो नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, साथ में इब्रार अहमद ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। बड़ी पहले 54 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे श्रीलंका के, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा काम बैक किया मैथ्यू और डी सिल्वा ने और मैथ्यू जो है वो 64 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह 131 रन की ये पार्टनरशिप लगी जिसकी वजह से जो श्रीलंका की पोजीशन थी वो ज़्यादा मजबूत हो गई। और इस वक्त 226 रन 4 खिलाड़ियों के आउट पर इस वक्त डी सिल्वा जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं, 83 रन बनाकर इस वक्त वो क्रीज पर मौजूद हैं और साथ में सामा विक्रम जो हैं वो 25 रन बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग जारी है और पाकिस्तान जो बॉलर हैं उन्होंने शुरू में बड़ा अच्छा स्टार्ट किया जब 54 पर 4 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन बाद में वो एक बॉलिंग अच्छी न कर सके जिसकी वजह से श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा रन किए आज। तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा सुनहरी मौका था कि वो श्रीलंका की टीम को 150-170 तक रखते, लेकिन इस वक्त श्रीलंका जो टीम है उसकी जो टेस्ट मैच में पोजीशन पहले दिन है वो मजबूत है और श्रीलंका जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है कि 350 से ज़्यादा की तरफ जाएगा और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। तो ये थी आज की ताज़ा अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।